अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक नहीं है आज, मैं मैनिक्योर पेडिक्योर की नहीं, एक किट लेकर आई हूँ, अफोर्डेबल है, वो हर कोई ले सकता है उसको भी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए और आप लोग देख सकें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये है पेडिक्योर किट, ये मैंने परचेज़ की थी इसी मार्केट से, आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी है, अच्छा काम करती है, और सारी जो इसके अंदर सामान है वो पेडिक्योर के लिए काम आता है और मैनीक्योर के लिए भी काम आता है। तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से है कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं ये, और ये मैंने 700 की मार्केट से परचेज़ की थी, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके साथ हमें क्या क्या मिला है, इसके अंदर मिली है फोल्डिंग पेडिक्योर फाइल, ठीक है, उसके बाद मिला है इसके अंदर नेल फेयर, दो कटर हैं इसके अंदर, और बफर्स मिला है इसके अंदर एक, और एक ब्रश मिला है पेडिक्योर के लिए, नील ब्रश, जब हम पेडिक्योर कर रहे होते हैं तो उसमें जो सामान यूज़ होता है ये मिला है। मैं अभी सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ, किट के बारे में, आगे भी वीडियो में मैं इसको यूज़ करना बताऊँगी कि किस तरीके से यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा गाइड मैंने इसके अंदर किया है, इसी वीडियो में थोड़ा सा मैं गाइड कर रही हूँ आप लोगों को कि इससे कुछ होता है, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ी सी गाइड भी मिल जाएगा कि इससे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और तो आप लोग भी ले सकते हैं इसको, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा ये 800-700, और अगर लोकल इसका लेना चाहते हैं तो 250-300 का ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा सामान कम होगा इसके अंदर, लेकिन काम चल जाएगा, अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है मैनीक्योर और पेडिक्योर के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा और अच्छे से रिज़ल्ट देता है ये। वैसे तो क्रीमें इतनी अच्छी आ रही हैं, लेकिन क्रीमों के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी गंदगी हो रही होती है नेल्स के अंदर, तो वो क्रीमें वगैरह साफ़ नहीं कर सकती हैं, उसके लिए इस तरह की चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्लर में भी जाते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, और अगर आप ये इसको ले लेंगे तो खुद भी आप कर सकते हैं। तो इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से आई है, पूरा पैक है ये, इसके अंदर पिन लगे हुए हैं। इसको मैं जब तक खोलती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपने भी ये यूज़ की हुई है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने यूज़ नहीं की हो और पूछना चाहते हैं कि ये कैसी है तो मैं आपको उसमें भी बता दूँगी और वीडियो में भी बता दूँगी, ये बहुत अच्छी हैं, अभी आपको कम में भी मिल सकती है अगर आप लोकल मार्केट से लेंगे तो। अगर मैंने दराज पीके पे देखी थी है, अगर मुझे दोबारा मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये हो गई ओपन, ओपन करने के बाद ये कुछ तरह से दिखती है, क्यूट कलर है, बहुत ज़्यादा पिंक कलर है, उस और भी कलर मिल जाएंगे इसके आपको, और ये छोटे छोटे होल दिए हुए हैं इसके अंदर, आपको रखना पड़ता है इसके अंदर जब आप पैक करें, जब ये एक बार खुल जाता है तो दोबारा सही से पैक नहीं होता, चीज़ें उल्टी सीधी हो रही होती हैं। तो ये हमारा आ गया पेडिक्योर फोल्डिंग पेडिक्योर फाइल आ गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, कि हमारे मैनीक्योर में यूज़ होगा, और ये नील फाइल है और ये बफर है, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसकी नील फाइल की तरह यूज़ करता है, इससे आप सेट कर सकते हैं अपने नाखूनों को, नाखून के ऊपर भी आप इसको पॉलिश कर सकते हैं, और वहाँ से डेड स्किन जो है उसको रिमूव करते हैं, और यहाँ से जो इस साइड से इसकी गंदगी को रिमूव करते हैं, ये डेड से स्किन जो होती है उसको रिमूव करता है। बहुत अच्छा है, आप इसको ऐसे भी लेना चाहते हैं तो ये आपको 200 या 100 का ऐसे मिल जाएगा, अगर आप पूरी किट नहीं चाहते सिर्फ ये यूज़ करने के लिए ये चाहिए तो आपको ये भी मिल सकता है।
इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इससे नेल्स की खाल भी कट जाती है, और ये दो नेल कटर हैं, तो ये एक सिंपल नेल कटर है और एक ये कटर वाला है, मतलब कट करके निशान आने वाला है। इससे इससे क्रॉस में कटिंग होती है। ये ब्रश है और ये फिंगर के अंदर लगता है इससे, ताकि फिंगर को मसाज हो। इस तरह इसको अटैच करके इस तरह करना है हमें। ठीक है, इसकी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो स्किन के लिए मैंने एक क्रीम बनाई थी, तो अगर आप लोग को देखनी हो तो मैं लगा दूंगी आई बटन पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी क्रीम है वो भी। नेक्स्ट जो मेरे पास है ये भी है छोटा सा मिनी सा मैनीक्योर पेडिक्योर किट, ये वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी तो इसके मैंने दो हैं, और ये भी आपको 600 या 500 के में मिल जाएगा। इसमें खासी बात ये है कि इसका जो साइज़ है छोटा है, मिनी सा एप्पल साइज़ है और बहुत क्यूट सी, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल में जा रहे हैं तो आप इसको बैग में भी लेके जा सकते हैं, और काम वही चीज़ें हैं, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, एक दो चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि फोल्डिंग वाला जो हमारा था वो इसके अंदर नहीं है, और बहुत काफ़ी चीज़ें इसमें मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें नहीं हैं। तो ये भी आपको दराज में मिल जाएगा अच्छे से प्राइस में, कलर भी दूसरे मिल सकते हैं। मैंने दराज भी किसी नहीं ऑर्डर किया था, मैंने कहीं और मार्केट से ये लिया था। तो ये एप्पल की शेप में है, बहुत खूबसूरत सा है और कलर भी इसका बहुत प्यारा है। जब ये बैग में से निकलता है तो नज़र आता है कि हाँ कोई चीज़ निकल रही है, और अगर सामान खो सकता है तो आप एप्पल को आप किसी और तरीके में भी उसको काम में ले सकते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने से ये कैप निकलेगा, कैप के बाद सारी सामान में दिखाती हूँ। ये जो निकला है ये सीज़र है, सीज़र में बहुत ज़्यादा धार नहीं है, ये आईब्रो के में काम आ सकती है, आईब्रो जब हम बना रहे हो थोड़ी सी कटिंग करते हैं तो काम आती है। ये कि हमें कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हैं और हमारे बैग में हो तो इसी तरह थोड़ी सी टमाटो केचप का पैकेट खोल के दे सकती है, या कोई और चीज़ भी। नील कटर है, नील कटर सिंपल सा नील कटर है, इसके अंदर कहीं हमें नील्स काटने हैं ये, इससे आप गंदगी निकाल सकते हैं अपने नील्स की। नील फेयर है, और ये डेड स्किन जो उसमें था, ये तमाम चीज़ें थोड़ी बहुत ही हैं। और एक है छोटा सा मिनर है इसके अंदर के, छोटा सा देख सकते हैं आप कहीं पे भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें शर्म आ रही होती है, हम देख नहीं पाते, बस सब अपने कैमरे में देख लेते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि मिनर में ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होता है, तो इसलिए ये है छोटा सा कॉम है, ये भी आईब्रो में यूज़ होगा। आई होप आप लोगों को दोनों किट्स अच्छी लगी होंगी, और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किट्स कैसी लगी। आप लोग भी इसको ले सकते हैं, मेरी माने तो एप्पल वाली बहुत ज़्यादा क्यूट है, आप ये ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो जो देखना चाहते हैं, जिस तरह की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं मुझे बता दीजिए, मैं उस तरह की वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल।